राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली के दौरे पर आज शाम पहुंच सकते हैं। भुए मऊ गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी मुलाकात करेंगे और इसके बाद कल बचत भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो आज शाम को रायबरेली आ सकते हैं राहुल गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर मुलाकात कर सकते हैं, साथ ही भुए मऊ गेस्ट हाउस में ये मुलाकात होने वाली है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। कल अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं। यूपी में उपचुनावों को लेकर तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी जहां लगातार मीटिंग कर लोकसभा चुनावों के डैमेज कंट्रोल में जुटी है, वहीं एसपी और कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। गठबंधन के पीजीएफ फॉर्मूले से निपटने के लिए बीजेपी अब दलितों को साधने में जुटी है और इसके लिए नई रणनीति भी बना ली गई है। देखिए, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी में कम सीटें आने की समीक्षा के साथ उपचुनाव की 10 सीटों की तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित मंत्री और नेताओं के साथ बैठक की। तो प्रदेश में दलितों को एक बार फिर कैसे बीजेपी से जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा की जा रही है। इसको लेकर एक पुख्ता रणनीति बनाई जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराया जा सके और साथ ही साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दलितों का साथ लेकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दलित वोट बैंक से पकड़ ढीली हुई है, ऐसे में बीजेपी दोबारा दलितों को साधने की कवायद में जुटी है। यूपी में कम सीटें आने की वजह पर मंथन, बीएल संतोष ने दलित नेताओं से लिया फीडबैक। दलितों को बीजेपी से जोड़ने के एजेंडे पर बनी रणनीति, दलितों को बीजेपी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा। दलित मंत्रियों नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज इस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा सभी सदस्य मौजूद थे, लगभग सभी मंत्रीगण मौजूद थे और बहुत अच्छी चर्चा हुई, एक अच्छे कार्यबिंदु बने और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अब उस कार्यबिंदु पर काम करेंगे। हम एक अच्छे पायदान पे हैं, हमने अच्छा परिणाम दिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट स्वयं नहीं है, हम उसको और ऊंचा लेके जाएंगे। संसद का सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव लखनऊ में विधानसभा उपचुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। अखिलेश ने अपने उपचुनाव के लिए सीटों और कैंडिडेट को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब विधानसभा उपचुनाव में पीडीएफ फार्मूला लागू कर उम्मीदवार उतारेगी। एसपी इस खास रणनीति से यूपी में भविष्य की राजनीति में खुद को मजबूत करने की तैयारी में है। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार बाई इलेक्शन को लेकर बैठकें कर रही, कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिन जगहों पे बाई इलेक्शन है उन जिले के नेताओं को, संगठन के लोगों को बुला के वार्ता की गई। जल्द ही समाजवादी पार्टी इन जगहों पे जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में हराने जा रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फार्मूले से एसपी ने 37 सीटें जीती है। इसके साथ ही एसपी देश की राजनीति में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन ने दोनों को नई संजीवनी दी है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अच्छी संख्या में दलित वोट मिला है। इसी समर्थन को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस अब यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दलित समुदाय के बीच एक आउटरीच अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।